गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान कृष्ण ने दो प्रकार की प्रकृतियां बताई है इस नवे अध्याय में। एक तो प्रकृति है राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति, और दूसरी है दैवी प्रकृति। प्रकृति माने स्वभाव। हमारे स्वभाव में महात्म्य किसको है? जैसे आज हम जब निकले हमारे दादर से इधर आने के लिए, तो एक बुढ़ाओ फूल फूल का शर्ट पहन करके, शॉर्ट हाफ पैंट पहन करके, जूते पहन करके दौड़ रहे थे। तो मुझे बड़ा आनंद आया देख करके। आनंद इसलिए आया कि अभी अपने हिंदुस्तान में भी लोग हेल्थ कॉन्शियस होने लग गए। पहले कभी देखा था ऐसा कि बुढ़ाओ हाफ पैंट पहन करके खामो खाम दौड़ रहे, लेना ना देना, ना बस पकड़नी ना ट्रेन पकड़नी, दौड़ रहे? तो महात्म्य जब हमारे दृष्टि में बढ़ जाता है किसी वस्तु का, तो वैसा हमारा दर्शन बदलता है। पहले जमाने की दृष्टि क्या थी? जो अपना जीवन है ज्यादा से ज्यादा भगवान में लगाना चाहिए। तो खाते समय भगवान का नाम, उसके बाद सोते समय भगवान का नाम, चलते समय भगवान का नाम, यहां भी कहेंगे भगवान यत करोषि यजश्नासी यज्जुवोसी ददासी यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। लेकिन जब हमारी दृष्टि ऐसी हो जाती है कि हमको अपनी फिगर मेंटेन करनी है, अब जिसको फिगर की फिगर लगी है वो खाना थोड़ी खाता है, वो तो कैलोरी गिनता है और कोलेस्ट्रॉल देखता है, खाना नहीं खाते। इसीलिए जैसी हमारी प्रकृति या स्वभाव, उसके अनुसार हम इस जगत को देखते हैं। तो जिसके प्रकृति में, स्वभाव में जगत के ये विषय वस्तु रिश्ते नाते, इनका महात्म्य बढ़ गया है, उस व्यक्ति की प्रकृति राक्षसी है, आसुरी है और मोहिनी है। और ऐसे व्यक्ति जीवन में खूब मेहनत करते हैं तो अनेक प्रकार की आशा रख करके करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, उसके लिए अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, उसके लिए अनेक प्रकार की आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पीछे चलते हैं। लेकिन विचित सहा अपने अंतकरण के शुद्धि की तरफ ध्यान नहीं देते। देखो कई बार क्या हो जाता है, समझो हमको एक आध बार याद नहीं रहा, चश्मा साफ नहीं हो और हमने वैसा ही पहन लिया, तो ऐसे लगता कि क्या हो गया आज, लाइट कम है क्या, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ना तो लाइट कम है, ना तो आंखों में गड़बड़ी है, वो चश्मे के ऊपर में मिट्टी आ गई है। तो विचित सहा अपने अंतकरण को शुद्ध करने के लिए हमको ये मनुष्य जीवन मिला है। जब अंतकरण शुद्ध होगा तब जाकर के परमात्मा को पहचानने की क्षमता आएगी। लेकिन हमारे जीवन में महात्म्य यदि इस भौतिक जगत का हो तो हमारा दर्शन भिन्न होगा। दर्शन भिन्न होगा तो हमारी जगत के साथ जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भिन्न होगी, प्रतिक्रिया भिन्न होगी तो जगत के साथ हमारे अनुभव भिन्न होंगे, और जैसे हमारे अनुभव होते हैं वैसे हमारा जीवन होता है। इसीलिए बेस जो है ये देखना है कि हमारी प्रकृति कैसी है, अपने प्रकृति को ठीक करो। तो दूसरी प्रकृति भगवान ने बताई
जो महात्मा लोग हैं वो दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। दैवी प्रकृति का तात्पर्य है जो देवों की प्रकृति है। उनको ना डिस्कस कर लो, बाद में हम बोलेंगे। हो गया? नहीं, आपका डिस्कशन हो गया, आप फिर हम बोलेंगे, क्योंकि दो दो बोल रहे थे, मैं भी कंफ्यूज हो रहा। अदर हो वो दैवी प्रकृति है। अब देखो, हमारा जो व्यक्तित्व है उसमें तीन भाग है। एक तो है अपना स्थूल देह, जिसको हम कहेंगे द्रव्य। दूसरा है हमारी अनेक प्रकार के क्रियाकलाप, जिसको हम कहेंगे क्रिया या प्राण शक्ति। और तीसरा है हमारा ज्ञान। तो द्रव्य से बढ़कर के प्राण शक्ति सूक्ष्म है और श्रेष्ठ है, और प्राण से बढ़कर के ज्ञान शक्ति सूक्ष्म है और श्रेष्ठ है। तो दैवी प्रकृति का तात्पर्य है कि जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है और जिसके माध्यम से हम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अधिकारी बन जाते हैं। तो ऐसे जो दैवी प्रकृति का आश्रय लेने वाले महात्मा लोग हैं, उनका जीवन कैसा है? उनका जीवन ऐसा है कि जगत में बाहर व्यवहार करते समय उनका ध्यान रहता है कि उनके अंतःकरण का निर्माण हो रहा है अथवा नहीं। यदि जगत में व्यवहार करते समय जगत का निर्माण हुआ लेकिन अंतःकरण का सत्यानाश हुआ, तो वो कोई काम करने का तरीका नहीं है। इसलिए महात्मा लोग जो दैवी प्रकृति वाले हैं, पांचवें अध्याय में भगवान ने बताया था, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। हमको अपना उद्धार करना है, समाज का उद्धार मत करना बाबा। समाज की सेवा करनी है, उद्धार नहीं करना है। जिसका हम उद्धार करना चाहते हैं उससे हम अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं और उसको सुधारने का प्रयत्न करते हैं। समाज की सेवा करने सुधारना नहीं है, ये सुधारने का काम दूसरे लोगों को छोड़ देना चाहिए। तो महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः। जब उनका ऐसा निर्णय हो गया कि जगत में कार्य करते समय हमको अपने अंतःकरण को शुद्ध करना है, तो अंतःकरण के शुद्धि के पीछे ये महात्मा लोग लग जाते हैं। तो अंतःकरण की शुद्धि किस प्रकार से की जाए, तो उसके लिए बताते हैं कि वो अपने मन के द्वारा भगवान के भजन में लग जाते हैं। भगवान के भजन में लग जाते हैं, कल हमने आपको अर्थ बताया था कि अपने स्थूल देह से यह संपूर्ण विश्व भगवान की ही अभिव्यक्ति है, यह स्वीकार करके उनकी सेवा करना, अपने वाणी से लोगों के साथ ऐसे प्रेम के शब्द बोले कि किसी का दिल ना टूटे और भगवान का नाम स्मरण करते रहे, और तीसरी बात मन के द्वारा तत्व का चिंतन करे। इन तीन बातों के द्वारा हम भगवान की सेवा या भजन करते हैं। और ऐसा जब हम करेंगे तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो दृष्टि प्रदान की है भगवान ने, वो दृष्टि ये है कि अहम क्रतुः अहम यज्ञः स्वदाः अहम औषधम मंत्र अहम एव आज्यम अहम अग्नि अहम हुतम इतः पिता अहम अस्य जगतः माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र ओंकारः रुक्साम यजुरेव च। तो इस जगत में क्या क्या वस्तु है वो सभी मैं हूं, भगवान कहते हैं। चाहे द्रव्य हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे यज्ञ के मंत्र हो, चाहे द्रव्य की आहुति डालने की क्रिया हो, ये सभी का सभी केवल मैं मात्र हूं। और वही वेद्य है और वही जानने योग्य है इस जगत में। भगवान 15वें अध्याय में बताते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः। इस जगत में जानने योग्य वस्तु कौन सी है,
इस जगत में जानने योग्य वस्तु एक ही है और वो है इस अहम को जानो। यदि हमको अपने अहम को जानने का डर लगता है तो भगवान के अहम को जानो। अपने अहम को जानने का डर, ध्यान से सुनना संतो, मजा आ रही है। अपने अहम को जानने का डर मालूम है क्यों लगता है? इसीलिए जब हमारे मन में भयानक गंदे विचार आने लग जाते हैं तब आदमी डरता है अपने आप से। लेकिन ये भूल जाता है कि ये सड़क है, सड़क के ऊपर में साधु संत भी चलेंगे और गुंडे भी चलेंगे। ये जो हमारा मन है इसमें अच्छे विचार भी आएंगे, बुरे विचार भी आएंगे। लेकिन जब हमारा मन के साथ ऐसा तादात्म्य हो जाता है कि हम एकांत में बैठते हैं और ये मणिराम महाराज अपनी दुकान खोल देते हैं तो आदमी इतना डरने लग जाता है। ये उसका कारण एक ही है, हमने अपने असली मय को नहीं देखा है, नहीं जाना है, नहीं पहचाना है। इसलिए भगवान कहते हैं हाँ कि वेद्यम पवित्र ओंकार रूप साम यजुरेवच, तो सभी शास्त्र, सभी वेद, सभी इतिहास पुराण, इन सब के माध्यम से जानने योग्य केवल मैं मात्र हूं। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावंते च मध्ये च हरि ही सर्वत्र गीयते। सभी शास्त्रों में केवल परमात्मा का ही भजन हो रहा है और यदि उसी की तरफ हमारा ध्यान नहीं रहा तो हमने जितना भी किया उसको कहते हैं मोघाशा मोघ कर्माणा मोघ ज्ञाना विचेतसा। इस प्रकार से भगवान ने अपने सर्वरूप को बता दिया। आगे कहते हैं अहम जगतहा पिता अस्य, मैं इस जगत का पिता हूं, मैं इस जगत की माता हूं। टू इन वन, हम लोगों के माता पिता अलग अलग होते हैं ना, और इसीलिए बच्चे दोनों से फायदा उठाते हैं। अपने जो बंबई के बच्चे हैं ना, बड़े चालू टाइप है, उनको मालूम है ये मां बाप के झगड़े, उससे अपने रोटी पर घी खींच लो। जब उनको मम्मी से कुछ काम निकालना होता है तो जाकर के थोड़ी पापा के बारे में कहेंगे कि मम्मी हाउ आर यू कंटिन्यूइंग विद दिस मैन आई डोंट नो। एकदम वो मम्मी को लगता है कि मेरी रक्षा करने के लिए साक्षात भगवान कृष्ण ही मेरे बच्चे के रूप में आए, वो आपको बेवकूफ बना रहा है जब उसने। फिर मम्मी से अपना काम निकाल लिया, फिर डैडी से काम करवाना हो तो डैड आई अप्रिसिएट यू अलोन कैन मैनेज दिस हाइट ऑफ फुलिशनेस। देखो बेटा तुम ही मुझे ठीक पहचानते हो, इस घर में मुझे कोई नहीं पहचानता। उससे भी काम निकलवा लिया। लेकिन यहां भगवान कहते हैं ऐसा चालू काम नहीं हो सकता, मैं ही बाप हूं, मैं ही मां हूं। देखो पिता जो है वह निमित्त कारण होता है और मां जो है वह उपादान कारण होता है। पिता केवल निमित्त करके बीजारोपण करता है, उसके बाद जिस उपादान से उस गर्भ का बढ़ना, उसका चलना, वह जो उपादान है वो मां का है। ये दो बात भगवान कहते हैं कि मैं ही इस जगत का माता पिता हूं, मैं ही इस जगत का धाता, उसका पालन पोषण करने वाला हूं और पिता महा, और मैं इनके परे हूं। देखो माने ऐसे नहीं कि माता पिता होकर के रोने वाले, हां उसके भी परे हूं, और यही मेरा रूप जानने योग्य है और यही सभी वेदों में शास्त्रों में ओम के रूप में बताया है। यहां तक कल हमने भगवान की इस दृष्टि को समझने का प्रयत्न किया। अब ऐसी जो भगवान है वे ही हमारे लिए सब कुछ है। कैसे सब कुछ है? गति ही, गति माने अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य, गति माने वो ट्रांसपोर्ट एजेंसी नहीं, एक है ना गति, हम देखते हैं कहेंगे ट्रक्स, कुरियर सर्विस, हाँ इट इज नॉट ए कुरियर सर्विस। सो गति ही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य, जैसे सभी नदियों की गति समुद्र है,
सभी आभूषणों की गति सुवर्ण है, सभी बर्तनों की गति मिट्टी है, उसी प्रकार से संपूर्ण विश्व की गति केवल वही एक परमात्मा है। तो गति ही भर्ता, भर्ता माने बैंगन का नहीं, भगवान पंजाबी नहीं थे, भगवान पहले तो उत्तर प्रदेश के थे और फिर हो गए गुज्जू। हम आपको मजे की बात बताएं, एक बार हम चले गए थे दक्षिण भारत में उडुपी में, उडुपी में भगवान कृष्ण का बहुत ही सुंदर मंदिर है और वहां भी पुष्टि मार्गी है, और उस मंदिर में हम गए और वहीं रहे थे। बड़ा आनंद, आनंद इसलिए कि खाने को मिलता था, हमको एक ही चीज का आनंद आता है, खाने का। हमने आपको बताया ना हमारे जीवन का सिद्धांत, पेट को भर के रखो, दिमाग को खाली रखो, जो लोग उल्टा करते वो दुखी होते। तो हमारे साथ एक बंगाली महात्मा थे, अब साउथ इंडियन भगवान कृष्ण, उसको नैवेद्य किस चीज का मिलेगा? उसको नैवेद्य मिला चावल, रसम, सांभार, इडली, इन चीजों का। और ये बंगाली महात्मा सुबह से शाम तक के मिठाई खाने वाले, उनको इतना गुस्सा आया, ये देखो साउथ इंडियन लोग भगवान को भी मिठाई नहीं खिलाते, क्योंकि इनको नहीं मिल रही थी मिठाई। तो भगवान तो कैसे है कि पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाया वैसा। दक्षिण भारत के कृष्ण को जो खिला बेचारा खा लेता है, गुजराती कृष्ण को चीनी में शुगर डाल के खिलाते हैं। हमको एक बार की बात याद है, हम किसी गुजराती का खाना खाने गए और दाल रखी हुई थी, तो हमने उसको बगल में रख दिया, बाकी सब खा रहे थे। तो अम्मा, स्वामी जी आप दाल नहीं खाते? मैंने कहा अम्मा ये जो है ना स्वीट डिश में बाद में खाता हूं। इतनी मीठी थी वो, नारायण। तो भरता देखो, भरते से कहां पहुंच गए। गति ही भरता, भरता माने सबका भरण पोषण करने वाला। तो हमारा जीवन का अंतिम लक्ष्य वह है, हमारे जीवन को आधार देने वाला, भरण पोषण करने वाला वही परमात्मा है, प्रभु। ऐसा नहीं कि मैं करता हूं लेकिन सामर्थ्य ही नहीं है। सामर्थ्यहीन व्यक्ति के मुख में बलवान के शब्द सुंदर नहीं देते। कोई कहेगा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुमको सब देख लूंगा, और क्या देख लूंगा, एक पापड़ नहीं उठा सकते और देख लेंगे। इसीलिए प्रभु माने सामर्थ्य युक्त है, केवल कहे नहीं रहे, प्रभु समर्थ साक्षी, और इतना सब करते हुए भी किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होते, केवल प्रकाशित करते हैं। और निवासहा, इन सभी जीवों का निवास स्थान है, शरणम उनकी शरण है। जीवन में जितने भी कष्ट आ जाए हम प्रभु के शरण ले लें, और सुहृद क्योंकि वही हमारे सबसे बढ़िया मित्र है। प्रभवहा प्रलय स्थानम, यहीं से संपूर्ण जगत निकलता है और वहीं संपूर्ण जगत वापस चला जाता है। ऐसा संपूर्ण विश्व का जो निधान है, खजाना है, वह अव्ययम बीजम, वह मैं हूं, भगवान कहते हैं। अब देखो जो भगवान ने बात कही उसको यदि हम सूक्ष्मता से देखें तो वही भगवान हमारे माध्यम से वही बात कह सकते यदि हम थोड़ा ध्यान दे तो। जैसे देखो यह जागृत अवस्था की सुख शांति और दुख अशांति, लाभ हानि, अपना पराया, ये कहां से प्रारंभ होता है? ये प्रारंभ होता है केवल मैं से। इसीलिए जब भगवान कहते हैं मैं ही इस सब जगत का आधार हूं, तो जैसे एक एक शब्द को ले लो, गति, हमारी सबकी गति इसी मैं में है। दिन भर हम खूब दौड़ते भागते, परेशान होते, अच्छा करते बुरा करते, और दौड़ भाग करके शांति कब मिलती हमको? जब हम सो जाते हैं। और सोने में करते क्या है? सोने में हम फिर अपने घर में वापस आ गए, क्योंकि हमारी अंतिम गति केवल यह शुद्ध मय है। तो जितना इस मय को इस दृष्टि से देखो कि हमारी गति कहां है, यहीं से मय से ही प्रारंभ होता है और मय में ही समाप्त हो जाता है, बाकी सब उसमें
जन्मना और मरना दोनों है, लेकिन ये जो मैं है वो ज्यों का त्यों है। जितना हमारा ध्यान इस मैं की तरफ रहेगा उतना हम परमात्मा के साथ साथ चल रहे हैं, और जितना हमारा ध्यान जगत की तरफ रहेगा उतना हम भगवान से दूर भाग रहे हैं। इस प्रकार से 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तपामि अहम वर्षम निगृहणामि उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन। और ये तो हो गया भगवान का स्वरूप, अब काल का स्वरूप भगवान बताते हैं। एक साल को, एक काल को हम लोग 12 महीने में या 3 ऋतुओं में बांटते हैं, जैसे गर्मी, जाड़ा और वर्षा। तो भगवान कहते हैं पहले अहम तपामी, मैं इतना ताप देता हूं कि गर्मी का मौसम आ गया, और उसके बाद सभी का सभी जल अपने में सोख लेता हूं। उसके पश्चात जब बारिश वर्षा का समय आता है तो फिर उत्सृजामि, माने यह संपूर्ण काल चक्र जो चल रहा है इस काल चक्र का आधार भी मैं ही हूं। हमने आपको शायद बताया था, हमको 2-4 दिन पहले एक ईमेल आया था, उस पे हमने जवाब दिया। एक सज्जन ने हमको प्रश्न पूछा था, स्वामी जी भगवान पहले है कि काल पहले है, गॉड इज फर्स्ट और टाइम इज फर्स्ट? हमने कहा कि बोथ पेंडिंग, यू आर फर्स्ट। जब तक के मैं नहीं है तब तक के गॉड नहीं है, जब तक के मैं नहीं है तब तक के टाइम नहीं है। जब हम सो जाते हैं उस समय कितने घंटे सोए हमको थोड़ी मालूम होता है, क्योंकि वहां अभी मैंने किसी के साथ तादाद में नहीं किया है। तो यह मैं ही सबका आधार है, इसीलिए ये तीनों ऋतु और उसके कारण सृष्टि में होने वाले परिवर्तन सबके साथ मैं ही हूं, और मैं ही अमृत हूं, मैं ही मृत्यु हूं। ध्यान से सुनना, अपने जीवन में जो भी कुछ हो रहा है उसमें हमारी भलाई है। ये जब निष्ठा पक्की हो जाती है तब भगवान की लीला थोड़ी थोड़ी समझ में आने लग जाती है। कई बार क्या होता है कि हम चाहते हैं अमुक अमुक घटना अमुक अमुक प्रकार से होए, वैसी हुई तो हम भगवान को आशीर्वाद देते हैं, भगवान आप धन्य हैं और आप ही के कारण सब कुछ हो पाया। और यदि वैसा नहीं हुआ तो बेचारे को 5वें माले से फेंक देते हैं। जब हमको ये बात समझ में आएगी अच्छा हुआ तो उसमें हमारी अच्छाई है, बुरा हुआ उसमें भी हमारी अच्छाई है। एक हमने आपको उदाहरण दिया था शायद, जैसे हम कपड़े को धुलाते हैं तो कपड़े को जब धुलाते हैं तो करते क्या है, उसको वॉशिंग मशीन में डालेंगे, गरम गरम पानी होगा, डिटर्जेंट होगा, और उसके बाद खूब घुमाएंगे फिराएंगे, घुमाएंगे फिराएंगे, बीच में कपड़ा तरस जाता है, और एक बार नहीं 4 बार पानी से उसको निकालेंगे, और फिर उसको घुमाएंगे, पानी निकालेंगे, फिर उसको सिकोड़ेंगे और फिर उसको डालेंगे। उस समय उस कपड़े को पूछो, कपड़ा कहेगा कि ये राक्षस मुझे कष्ट देने के लिए सब कुछ कर रहा है। लेकिन कपड़े की जो धुलाई पिटाई हो रही है वो किस लिए हो रही है? वो इसलिए ताकि उस कपड़े का फिर हम उपयोग करना चाहते हैं। ध्यान से सुनना, जीव के यह देह और अगल बगल के रिश्ते नाते और इस जीवन में आने वाली अच्छी बुरी घटनाएं, इसके कारण ये जीव के कपड़े इतने गंदे हो गए हैं, इसीलिए उसको चाहे नरक की वॉशिंग मशीन में डाले चाहे स्वर्ग की वॉशिंग मशीन में डाले, वहां डाल करके उसको खूब धुला पिला करके पीट पिटा करके प्रयोग क्या है, प्रयोजन क्या है? प्रयोजन यही है कि यह जीव शुद्ध पवित्र होकर के फिर मेरे पास आ जावे, ये उसका प्रयोजन है। यदि भगवान के इस प्रयोजन के पीछे यह हमारे हित की भावना है,
ये जब समझ में आ जाता है तो जितना हमारा हित जन्म में है उतना ही हमारा हित मृत्यु में है। तो दोनों ही रूप में वही परमात्मा आता है। अब कल्पना करो, बुढ़ाऊ लोग मरे ही नहीं, कितनी परेशानी हो जाएगी। हमको एक बार किसी ने पूछा था कि स्वामी जी पॉपुलेशन क्यों बढ़ गई है। हमने कहा पहले के लोग शरीफ थे, जल्दी जल्दी मरते थे। पहले एवरेज एज जो था इंडियंस का वो 50 के करीब था। आदमी जब 50 साल का हो जाता था बहुत हो गया, अब 60-70 नॉट आउट बैटिंग चल रही है। इसीलिए बच्चे पैदा हो रहे हैं और बूढ़े मर नहीं रहे, नेचुरली पॉपुलेशन तो बढ़ेगी। इसीलिए बच्चे के पैदा होने में भी परमात्मा की अभिव्यक्ति है और किसी के मृत्यु में भी परमात्मा की अभिव्यक्ति है। मृत्यु और जन्म ये दोनों भी भगवान के ही रूप है और दोनों में हमारे भलाई है। अभी हम कल परसों गए थे एक हॉस्पिटल में किसी को देखने के लिए, मिलिट्री हॉस्पिटल दिल्ली का। अब वो अम्मा जो वहां पड़ी हुई थी एकदम वेजिटेबल की जैसी, दुनिया भर की उनको यहां से ट्यूब वहां से ट्यूब लगा दी और वो मशीन के द्वारा उनका वेंटिलेशन चल रहा है और किडनी फेल है तो फिर उनका वो ब्लड जाकर के आर्टिफिशियल किडनी से घूम के फिर उनकी इसमें जाता है और वहां वो पड़ी हुई है। अब वहां जाने के बाद देखा सब कुछ, बोले स्वामी जी इनको जल पिलाओ। हमने कहा कहां से पिलाओ, चारों तरफ से इतनी ट्यूबे है कि समझ भी नहीं आता कौन सी ट्यूब कहां जा रही है। उसके बाद फिर जब हम बाहर आ गए तो उन्होंने कहा स्वामी जी हम दो लोगों में डिस्कशन हो रहा है किस चीज का, करो। डिस्कशन शुरू हो गया। एक जो उनके ही एक बच्चा है कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि आप इनको घर ले जाना चाहिए और भगवान के नाम में ही शांत हो देना चाहिए। दूसरा कहता है इनकी ये जो ट्यूब्स निकाल डालेंगे तो वो मर जाएंगे, तो क्या हम उनके हत्यारे नहीं होंगे? स्वामी जी आप बताओ हम उनको मारे क्या? अब उसका उत्तर मैं क्या दूं, हां अरे मारो मत उनको, मुझे मारो, मुझे जाने दो यहां से। तो जब हमारी दृष्टि केवल परमात्मा पर होती है तो जन्म और मृत्यु सभी के रूप में हमारी भलाई है। ये जब समझ में आ जाता है तब हमारी दृष्टि परिवेक्षित और परिपूर्ण हो गई है, अन्यथा हम छोटी छोटी बातों में फंसे रहते हैं और दुखी होते हैं। सो अमृतम चैव मृत्युश्च, और आगे सच्च असच्च अहम अर्जुन। सत माने कार्य, असत माने कारण, सत माने अभिव्यक्त, असत माने अनभिव्यक्त, सत माने स्थूल, असत माने सूक्ष्म। तो यह जो कार्य कारणात्मक सूक्ष्म स्थूल यह जो संपूर्ण विश्व है ये केवल मैं मात्र हूं, माने जितने भी कार्य कारण है, जैसे समुद्र हो गया कारण और लहरें हो गई कार्य, इन दोनों में पानी अनुस्यूत है तो हम पानी को कहेंगे पानी कार्य भी ही है कारण भी है और इन दोनों के परे है। इसी प्रकार से यह पूर्ण कार्य कारण की जो श्रृंखला है उसका आधार है हमारी बुद्धि। जहां बुद्धि समाप्त हो गई वहां कार्य कारण समाप्त हो जाता है और जहां कार्य कारण समाप्त हो जाता है वहां शांति हो जाती है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं इस सभी कार्य कारण की श्रृंखला से परे हूं और यह कार्य कारण की श्रृंखला भी मैं ही हूं। इस प्रकार से ये महात्माओं की जो दैवी दृष्टि है इसका उन्होंने हमको अनेक प्रकार के उदाहरण देकर के समझाया। अब ये होने के पश्चात अब आगे बात आती है कि जिन्होंने इस परमात्मा को देखने के दृष्टि से जगत के साथ व्यवहार नहीं किया, लेकिन उनका जगत के साथ व्यवहार केवल भौतिक प्रधानता से रहा, माने मुझे जगत से क्या मिलता है, मुझे कितने अच्छे भोग मिलेंगे इत्यादि, ऐसे लोगों की गति अब आगे भगवान बताते हैं। इसका शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, कई लोग जैसे जाते हैं अमेरिका वगैरह तो हमको जब मिलते हैं तो कहते हैं स्वामी जी अभी मैं गुजरात से आया तो वहां मुझे एक लड़की ने बताया, स्वामी जी
देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग गुड मनी इन इंडिया। फिर इसीलिए मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं अमेरिका जाऊंगी, फिर वहां केवल 5 साल रहूंगी, उसके बाद वापस आऊंगी। हमने कहा चले जाओ और वापस आने की कोई जरूरत नहीं। नहीं नहीं, मुझे आना तो है, अपना देश जितना बढ़िया है और कहीं नहीं, लेकिन पैसे कमाने हैं। देखो, जो व्यक्ति अपने घर से पैसे कमाने के लिए निकलता है, उसकी दृष्टि महत्व किस पर है? महत्व पैसे का है कि अपने ये मनुष्य जीवन को सफल बनाने का है? मनुष्य जीवन का साफल्य केवल पैसे कमाने में नहीं है, केवल भोग भोगने में नहीं है, जगत की लाभ हानि में नहीं है। यही हमारे संस्कृति की, धर्म की सुंदरता है कि बाहर के जगत के व्यवहार का परिणाम हम अपने अंतःकरण पर देखते हैं, और जो अपने अंतःकरण पर इसका परिणाम नहीं देखते वो हो गए भौतिकवादी। फिर उनके लिए सब कुछ ठीक है, फिर वहां ना मां है, ना बाप है, ना धर्म है, ना पाप है, ना पुण्य है। इसीलिए ऐसे जो लोग हैं अत्यंत भौतिकवादी, उनके बारे में भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से ये लोग केवल इस जगत में ही भौतिकवादी नहीं रहते, लेकिन अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में भी भौतिकवाद ले आते हैं। किस प्रकार से? 20वां श्लोक है हमारे, बात पढ़िएगा। त्रैविद्यां मां सोम पापूत पापाहां, यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते, ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम्। अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्, ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम्। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति, एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः। गतागतं कामकामा लभन्ते, इन दो श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण महाराज बताते हैं दो प्रकार की संपत्ति साधारण व्यक्ति चाहते हैं दुनिया में। एक तो जिसको कहते हैं अभ्युदय, माने जब तक हम इस जगत में रहते हैं तब तक के इस जगत में अनेक प्रकार की संपत्ति मिले, भोग मिले। अच्छा, इनकी ये जो संपत्ति और भोग की जो लालसा है, ये यहां समाप्त तो होगी क्या? नहीं, फिर चाहते हैं मरने के बाद भी हम स्वर्ग में चले जाए। स्वर्ग में जाकर भगवान का नाम लेंगे? छोड़ो जी, जब कोई वैकेशन के लिए गोवा चला जाता है तो कोई मेडिटेशन करेगा वहां? इसी प्रकार से इतनी भोग की प्रधानता इन लोगों के जीवन में आ जाती है कि जितना भी कष्ट करेंगे, यज्ञ करेंगे, अनेक प्रकार का दान धर्म करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन इसके पीछे प्रयोजन क्या है, भावना क्या है? भावना यह है कि इसके द्वारा पुण्य कमाएंगे और पुण्य कमाने के बाद फिर स्वर्ग में जाएंगे, और स्वर्ग में जाने के बाद हा हा मेडिटेशन करेंगे, फॉरगेट अबाउट इट। कोई मेडिटेशन नहीं करता वहां 5-स्टार होटल में जाने के बाद। इसीलिए इसका उत्तर भगवान बताते हैं, त्रैविद्याम माम सोम पापूत पापा यज्ञे ही इष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते। ये जो त्रयी की विद्या है जिसको कहते हैं कर्मकांड इत्यादि, जिसमें तीन का गणित है, हम कर्म करेंगे, कर्म करने की क्रिया, और इसके द्वारा कर्म फल की प्राप्ति होगी, तो उसके लिए अनेक प्रकार के यज्ञ करेंगे, याग करेंगे, और उसके द्वारा दो बातें होगी, सोमपा, अभी जो शास्त्रीय शब्द है इसका हम
ज्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे, उससे कुछ हमको लाभ नहीं होगा, हमको लाभ जिससे होगा वो हम विचार करेंगे। सोम पावाने, एक सोम नाम की लता होती है और उसके एक पत्ता पहले दिन, दूसरे दो पत्ते दूसरे दिन, फिर पूर्णिमा के दिन 15 पत्ते होते हैं, और फिर जब घटना शुरू हो जाता है चंद्रमा, फिर एक एक पत्ता झड़ता है। इस प्रकार से जब पूरे 15 पत्ते होते हैं डंठल के साथ, जब उसको रगड़ करके उसका फिर रस बना करके पीते, उसको कहते सोम रस। तो हमको मिलता भी नहीं, लेना भी नहीं, हमको परमात्मा चाहिए महाराज। तो त्रैविद्या माम सोम पाहा, तो ऐसे वो सोम का पान करके पूत पापाहा, जिसके द्वारा वो अपने पापों को क्षालन करते हैं। उसके बाद इतना सारा यज्ञ करेंगे, कष्ट करेंगे। देखो जितने भी यज्ञ इत्यादि होते हैं उसमें बड़े कष्ट है। सबसे पहला कष्ट ये है पैसा इकट्ठा करो, दूसरे की जेब में हाथ डाल के, पहला कष्ट। स्वामी जी पहला कष्ट नहीं तो बड़ा आनंद की बात है, जब किसी की जेब से निकालते बड़ा मजा आता है। अच्छा महाराज, दूसरी बात सब लोगों को इकट्ठा करके अनेक मंत्र, उसके बाद सभी प्रकार के पंडितों को इकट्ठा करो, और वो होने के बाद हम बहुत बढ़िया यज्ञ करते हैं। और किस लिए यज्ञ करते हैं कि स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, इसके द्वारा हम स्वर्ग को जाना चाहते हैं। और स्वर्ग में जाने के बाद फिर क्या करेंगे, ते पुण्य मासाद्य सुरेंद्र लोकम, ये सुरेंद्र लोक माने स्वर्ग लोक पहुंच गए, इंद्र का लोक, और वहां पुण्य इकट्ठा करके पहुंच गए। और वहां पहुंचने के बाद दिव्यान दिव्य देव भोगाम अश्नंती, फिर उसके बाद वो अनेक दिव्य दिव्य भोगों को भोगते हैं। इसके ऊपर हमारे नचिकेत महाराज जो अपने कठोपनिषद के हीरो है, उनके वचन हम सबको याद रखने जैसे। जब उनको उनके गुरु महाराज यमराज जी ने अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए थे, काहे को आत्मा परमात्मा के चक्कर में पड़ते हो, अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात अन्यत्र अस्मात कृता कृता, जब इस प्रकार से पूछा तो छोड़ो ये, तुम अभी जवान हो, मौज करो, खूब खाओ पियो, ये लो वो लो, जब सब प्रकार के प्रलोभन दिए थे उस समय नचिकेत महाराज कहते हैं, जवान लड़का 9-10 साल का, कहता है कि शोभावामर्त्यस्य यदंत गैतत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजहा अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्य गीते, के हे अंतक, हे यमराज, आप जो जो वस्तु मुझे दे रहे हो वो तो कल नष्ट होने वाली है, और जहां तक के भोगों का सवाल है, हमारे इंद्रियों का तेज नष्ट हो जाता है। और उम्र, कितनी भी लंबी उम्र हो, जिसकी उम्र होती है उसको कभी वो लंबी नहीं लगती, दूसरों को लगता है भगवान इनको उठा ले, तो इनके कष्ट हमसे नहीं देखे जाते, कष्ट हमको हो रहे, पब्लिक को होते कष्ट, उसको नहीं हो रहे। तो जीवन कितना भी लंबा हो, अल्पमेव, हमको छोटा ही लगता है, इसीलिए किसी भी प्रकार के प्रलोभन जिसके हृदय में नहीं है वही इस तत्व को पाने का अधिकारी है। और ऐसी बात होते हुए जब हम इतना सारा कष्ट करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, लेकिन मांगते क्या है, वही भोग। ये तो ऐसा ही हुआ, आई नॉट बीट अराउंड द बुश, बुश माने प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, सो आई वोंट बीट अराउंड हिम। समझो आपको उस बुश के साथ मीटिंग मिल गई, अब कैसे मिली, क्या मिली, कहानी में सब संभव है, मिल गई आपको मीटिंग। उसने कहा भाई तुमको 2 मिनट मिल गए, चले आ जाओ। हाँ, क्या चाहिए? और हमने सोचा हम आ ही गए, अब क्या चाहिए, क्या चाहिए, अब मालूम नहीं क्या मांगना है। देखा हाँ डिब्बी मिल गई, तो निकाली एक डिब्बी अपने, कहाँ गई, कहाँ, यहां से मिल गई, हाँ निकाली। उसके बाद उसमें से तमाकू निकाले, इसमें तमाकू नहीं है, ये मेरी ज्ञानवल्ली की डिब्बी है, तमाकू निकाल ली। उसके बाद फिर वो बुश महाराज कहते, व्हाई आर यू बीटिंग अराउंड मी, क्या चाहिए तुमको, अच्छा तुम्हारे पास चूना है क्या, जरा लगा के खा लो,
अब देखो इतना बड़ा मौका मिला और इतना मौका मिलने के बाद मांगा क्या तो चुना, जिंदगी भर वही तो लगा है और वहां जाके वही मांगना है। इसी प्रकार से इतने कष्ट किए और इतने कष्टों के द्वारा यज्ञ का संपादन किया, बहुत दान धर्म किया और हृदय में मांगना क्या है तो वही भोग, वही वस्तु और उसके सिवा कुछ नहीं। इसीलिए जितनी मेहनत, जितने कष्ट हम लोग इस दुनियादारी के वस्तुओं को प्राप्त करने में, भोग करने में लगाते हैं, उतने ही कष्ट बल्कि उससे भी कम परमात्मा के प्राप्ति में काफी है। फिर भी जब हमारी दृष्टि ही बदल गई है, दृष्टि हो गई भोगात्मवादी, दृष्टि हो गई भौतिक, और इसीलिए भगवान से हम दूर दूर बिछड़ते जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए भगवान कहते हैं कि ये दिव्य दिव्य भोगों के पीछे लग करके खूब उसी में रमण करते हैं। यहां से आप लोग को भी गए होंगे अमेरिका वगैरह आपके बच्चों के पास, और वहां जाने के बाद देखा होगा ऐसे लगता है सोने का पिंजरा, सब चीज है, सिर्फ वहां फोन पर उठा करके बोलने के लिए कोई नहीं, किसी के साथ बोल नहीं सकते, कहीं जाना हो तो अपने बच्चों पर डिपेंडेंट करना था, कैन यू टेक मी समवेयर देयर, आई डोंट हैव टाइम प्लीज नेक्स्ट वीकेंड, और फिर वो पांच दिन तक बैठे रहते, अब आज सोमवार गया गया, कल मंगलवार गया गया, और इस प्रकार से एक हफ्ता, दो हफ्ते, तीन हफ्ते हो गए, कहते मुझे मेरे बंबई में ले चलो, वहां बस में धक्के खाने, ट्रेन में जाना, उसमें जो आनंद है, वहां वो बड़ी बड़ी कार में बेकार के जैसे बैठना उसमें नहीं है। कितने भी जगत के भौतिक भोग हो वो आपको अंतिम शांति नहीं दे सकते। अंतिम शांति मिलती है अपने हृदय में, जब हम प्रभु का दर्शन करने की तैयारी करते हैं, तब तैयारी करने से ही मिलती है। भगवान का दर्शन होगा तब तो की बात ही छोड़ो। तो ऐसे जो भौतिक व्याधि लोग हैं, इतना सब कुछ करेंगे, इसको कहते हैं कि धर्म करना अपना सत्यानाश करने के लिए। देखो धर्म के द्वारा अपना सत्यानाश कैसा होता है, इतना धर्म करके परमात्मा की प्राप्ति की मन में कल्पना तक नहीं, केवल इतने मन में भोग भरे हुए हैं कि ये मनुष्य जन्म के जो भोग है वो हमको अच्छे कम हो गए और जाकर के वहां सुपर भोग करने हैं। इसीलिए ऐसे लोगों की गति के बारे में अगले श्लोक में कहते हैं, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, वहां जाकर के कब तक रहोगे महाराज, जब तक के वीसा है तब तक, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, आप चले जाओ फाइव स्टार होटल में, बड़े फटाफट आपको सैल्यूट मिलते हैं, आइए सर हां चले जाओ, वहां जाने के बाद रहो, और जब उनको पता चलता है कि इसके पास पैसा तो है ही नहीं, पता नहीं कहां से टपका, तुरंत जो हाथ सैल्यूट मारते थे वही अर्धचंद्र मारते हैं। अर्धचंद्रमा ने ऐसे गले को पीछे से पकड़ करके बाहर निकाल देते, ये शराफत की भाषा है, जरा इनको अर्धचंद्र लगाओ। जो हाथ पहले सैल्यूट मारता था अब वो गर्दन को मारता है, क्यों, क्षीणे पुण्य, वही बात स्वर्ग की है। देखो जो बात आपको किसी के बदले में मिलती है वो नित्य नहीं हो सकती, जो अपनी है वही सत्य है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, आगे एवं त्रयी धर्म मौन अनुप्रपन्नाहा, इस प्रकार से यह जो कर्मकांड से ये करना वो करना स्वर्ग में जाना, इसके द्वारा जिन्होंने जो जो कुछ चीजें प्राप्त कर ली है वो कैसे है, गतागतम काम कामा लभन्ते, तो ये कामनाओं का कामना करने वाले ये लोग हैं, ये हमेशा गतागतम उनका चल रहा जाना आना जाना आना, इसके सिवा उनके जीवन में कुछ है ही नहीं। अब देखो हम आपको ये जो हमारे शास्त्रों में अच्छा कर्म, पुण्य कर्म, पाप कर्म, उसके बाद स्वर्ग नरक इत्यादि जो गतियों का वर्णन आता है उसका प्रयोजन क्या है ये हम समझ लें।
शास्त्रों के सिद्धांतों का जब तक प्रयोजन हमारे समझ में नहीं आता, वो सिद्धांत केवल हमारे सर पर बोझा बन करके रहते हैं। इनका प्रयोजन क्या है, अब ध्यान से सुनो। प्रयोजन ये है कि जब हमको बताते हैं कि हमारे इस जन्म में जो अच्छे बुरे अनुभव आ रहे हैं, जो हमको सुख दुख प्राप्त हो रहा है, उसका कारण हमने ही पिछले जन्म में अच्छे बुरे कर्म किए थे, इसलिए। तो प्रारब्ध कर्म का सिद्धांत ये है कि पिछले जन्म में हमने अच्छे बुरे कर्म किए थे, इसीलिए इस जन्म में हमको सुख दुख की प्राप्ति होती है। देखो, कर्म के केवल दो ही फल है, ये मत करना। एक बार मुझे किसी ने कहा था कि स्वामी जी, पता नहीं मेरा क्या प्रारब्ध फूट गया, मेरा ऐसी पत्नी मिली। हमने कहा, देखो भाई, ये शास्त्र के विसंगत बात है। प्रारब्ध के कारण पत्नी पति नहीं मिलते, प्रारब्ध के कारण पुत्र पौत्र नहीं मिलते, प्रारब्ध के कारण हमको धन संपत्ति नहीं मिलती, रोग इत्यादि नहीं मिलते। प्रारब्ध के कारण केवल दो बातें मिलती है, या तो सुख या तो दुख। ऐसे व्यक्ति है कि जिनके पास सब कुछ धन दौलत है फिर भी दुखी है, और ऐसे है एकदम फकीर है फिर भी सुखी है। तो जीवन के जो कर्म फल है वो केवल दो है, सुख या दुख। तो जो हमारे जीवन में सुख दुख आता है उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने ही पहले जन्म में, इस जन्म में आने के पहले ये अच्छे बुरे कर्म किए थे। ये प्रारब्ध कर्म का पहला स्टेप। उसके बाद दूसरा स्टेप, इस जन्म में हम जैसा अच्छे बुरा कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार हम अपने अगले जन्म का नक्शा बना रहे हैं। अब इसको हम क्या समझते हैं, इसको हमने ये समझना चाहिए, और ये समझते हैं वो गलत है। क्या गलत समझते हैं? इसलिए हम सोचते हैं कि अच्छा कर्म करो ताकि स्वर्ग में जाएंगे, अगला जन्म अच्छा होगा। ये जो समझ है वो बहुत घटिया समझ है। असली समझ क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए कि पहले भी मैं था जब ये देह का जन्म नहीं हुआ था, इस देह में भी मैं हूं, और जब ये देह नष्ट हो जाएगा तब भी मैं रहूंगा, इसीलिए मेरा अस्तित्व अखंड है। तो जिसका अस्तित्व अखंड है वह मैं हूं, ना कि ये जो काल में पैदा हुआ अनेक विकारों से युक्त और एक दिन काल की दाल बनने वाला देह, ये मैं नहीं हूं। यदि इस एक तत्व को हम इस प्रारब्ध के सिद्धांतों के अनुसार अपने हृदय में उतार ले, तो हम आपको गारंटी देते हैं हृदय से मृत्यु का डर हमेशा के लिए निकल जाएगा। और जिसके द्वारा हमारे हृदय से मृत्यु का डर निकल जाता है उसी को कहते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र की पहली प्रगति। इसके लिए ये सब सिद्धांत है, लेकिन ये छोड़ करके हम इसी चक्कर में रहते हैं, हम ऐसा ऐसा करेंगे तो पुण्य मिलेगा, और पुण्य मिलने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, और स्वर्ग में जाने के बाद बिना पैसा देकर के कोका कोला पिएंगे। ये जो फिलॉसफी है ना, बाय वन एंड टेक टू फ्री। एक जगह मैरिज ब्यूरो था, वहां लिखा होता सिलेक्ट वन टेक टू फ्री। देखो महाराज, ये जो भोग प्रवृत्ति और प्रकृति की जो विचारधारा है उनकी गति यहां बताई है। गतागतम काम कामाल बंदे, तो जो हमेशा अपने कामना में ही फंसे हुए हैं उनके लिए दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। और कब तक के ये खाया वो खाया ये खाया, कभी तो कुछ ऊंची बात सुने सोचे, ऐसे लोगों की यह गति बताई। इसीलिए इसका हम आपको दूसरा एक पहलू बताते हैं, बहुत महत्व का है, वो भी अच्छा है। एक हमारे मित्र है, अब पता नहीं कहाँ है, उनका नाम अग्रवाल है शायद। एक बार हम कहीं जा रहे थे तो उनका शहर बीच में आया, तो हमने उनको फोन किया, भाई प्रभु मैं आया हूं,
खाना खिलाओगे क्या, नहीं तो होटल में खाना पड़ेगा। बोले स्वामी जी आ जाओ। तो हम उनकी दुकान पर गए, उनकी कोई मेडिकल ट्रेडिंग कंपनी थी, वहां गए और बोले चलो खाने के लिए। हमने चलो भाई। बोले स्वामी जी एक चीज याद रखना, आपको हमारे घर में खाने के साथ साथ गालियां मिलेगी, कबूल है? हमने कहा कि कबूल है, चलो। और हम और वो उनके घर में गए, फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे। जैसे हम जा रहे थे ऊपर, उनकी जो मुल्के मैदान तोफ, आपको मालूम है मुल्के मैदान तोफ किसको कहते हैं? आपको तो मालूम ही होगा, अपने को कौन नहीं पहचानता। तो जो मुल्के मैदान तोफ है वो शुरू हो गई, ले आए पकड़ के किसको। तो जब उन्होंने ऐसा कहा ले आए पकड़ के किसको, तो हमारे दोस्त ने कहा सुना, हमने कहा ये तो एकदम जैसे पूर्ण कुंभ में कहते हैं ना, ओम न कर्मणान प्रजया धन न त्यागे नहीं के, हमने कहा यही हिंदी में हो रहा है, बाकी कोई बात नहीं। और फिर वहां जाने के आप बोले चलते रहें, हम चलेंगे, हम प्रोफेशनल है, ऐसे बिना खाए वापस नहीं जाएंगे। और उसके बाद फिर हम वहां गए, हाथ भी धोए, खाने के लिए बैठे, और खाना खाते समय फिर अपना उनकी कमेंट्री शुरू, कितनी बार बताया है दुनिया भर के भिखारियों को ले आते हैं, इसको यतीम खाना बना के रखा है, और वो महात्मा जी खा रहे थे और हम डट के खा रहे थे। देखो गालियाओं के साथ खाना खाने में क्या मजा है, उस दिन मुझे पता चला। नहीं तो स्वामी जी प्लीज टेक, प्लीज टेक, उसमें कितनी परेशानी है, रोज का धंधा है, गालियों के साथ मजा आ गया। उसके बाद उसके पत्नी ने जो कहना कह दिया, फिर उसका पुत्र आया, और फिर वो हम लोग हाथ धोकर बैठे हुए थे, फिर डैडी व्हेन आई वांट वन मारुति कार यू कांट गिव, मुझे जब एक मारुति कार खरीदनी है तो नहीं देते हो, लेकिन इन लोगों पर पैसे उड़ाते हो, ऐसा क्यों? उसने कहा बेटा बैठो, शांति से बैठो, मैं समझाता हूं। इतना शांत प्रकृति का सदग्रस्त था वो, बैठे। बोले देखो तू मेरा लड़का है, इसीलिए तुमको ये प्रॉपर्टी मिलेगी, फैक्ट्री चल रही है वो चलती हुई फैक्ट्री मिलेगी, और दुकान चल रहा वो मिलेगा, लेकिन इससे जितना मैंने कमाया है उसमें से एक पैसा तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मेरी कमाई है, और तुम्हारी कमाई यही है कि तुम मेरे पुत्र हो तो तुमको ये मिलेगा, और मेरी जितनी कमाई है मैं तो बनिया हूं, मैं उसको ऐसा इन्वेस्ट करूंगा ताकि मरने के बाद वही मेरे साथ आएगा, तो तुमको लगता है कि मैं दान धर्म कर रहा हूं, नहीं, दिस इज माई इन्वेस्टमेंट, साधु संतों की सेवा करके मेरा अगला जन्म सुधरेगा, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और इसीलिए मैं ये कर रहा हूं। अब बताओ तुमको क्या बोलना है, बोलो। देखो इस सिद्धांत को स्वीकार करके मनुष्य अपने जीवन को किस प्रकार से बदल सकता है, शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद यदि हमारी देखने की दृष्टि और विचार करने की प्रक्रिया वो नहीं बदली, तो हमने कौन सा शास्त्रों का अध्ययन किया है? इसीलिए हमको अपने दृष्टि को बदलने के लिए ही सत्संग में आना है। कारण क्या हो जाता है, सत्संग का एक दूसरा नाम है, भगवान शंकराचार्य का एक स्तोत्र है भज गोविंदम, उसका दूसरा नाम है मोह मुद्गर। मोह मुद्गर माने हमारे मोह पर एक बड़े जोर से डंडे पड़ते हैं। एक बार एक किसी के घर हम जा रहे थे, बंबई की बात है, भिक्षा के लिए, हमने आपको बताया ना कि भिक्षा के लिए जाते, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं जीवन का। जब हम जा रहे थे, पति पत्नी हम और ड्राइवर चार लोग बैठे, हम सामने बैठे, पति पत्नी झगड़े के लिए आसान रहता है इसलिए साथ में पीछे बैठे, और जब हम चल रहे थे तो उन्होंने हमको कहा कि स्वामी जी आपने आज के सत्संग में ये विषय क्यों उठाया? हमने कहा अम्मा कौन सा विषय उठाया, हम तो ब्लफ मार के उठ जाते हैं, हम उठाते नहीं विषय। बोले नहीं आपने जो कहा, हमने क्या कहा? बोले आपने ये कहा कई लोग सत्संग में आने के लिए डरते हैं
और उनके डरने का कारण ये है कि सत्संग में आने के बाद जिन जिन धारणाओं को हमने आज तक के पकड़ के रखा था उन्हीं धारणाओं पर ऐसी चोट पड़ने लग जाती है कि आज तक हमने जिसको पकड़ के रखा था वही हमारे हाथ से जा रहा है और उसको वो छोड़ने को सक्षम नहीं होते। उनकी जो नींव है जीवन की वही डिगमगाने लग जाती है। इसीलिए कई लोग सत्संग में नहीं आते। बोले आपने ये जो बताया ये आज क्यों बताया? हमने कहा भाई माफ कर दो, कुछ गलती होगी तो और क्या, मुझे प्रश्न मत पूछो, खाना देना है कि नहीं बताओ। तो बोले मैं इसलिए कह रही थी मेरे ये जो है माने पति, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो मेरे जो है इनके शायद यही प्रॉब्लम हो सकती है। कौन सी प्रॉब्लम? इन्हीं को पूछो, फिर मुझे क्या पूछना है, मुझे किसी से कुछ पूछना नहीं। फिर हमने कहा प्रभु क्या हो रही है आपकी कंप्लेन? बोले स्वामी जी आपने जो कहा ना वो ठीक है, मैं आज तक कभी सत्संग में नहीं गया और आज ये मुझे जबरदस्ती पकड़ के ले आई कि अपने यहां स्वामी जी खाने के लिए आने वाले हैं, कम से कम शराफत के लिए आज तो चलो। और आज जब मैं आया तो देखा जो जो चीजें मैंने अपने जीवन में पकड़ के रखी थी उन्हीं पर ऐसा प्रहार हुआ कि जिसके कारण एकदम मेरी पूरे जीवन की धारा ही एकदम छिन्न भिन्न हो गई। देखो सत्संग में आकर के अपने दृष्टि को बदलने के लिए जो तैयार नहीं होता वो डरता है सत्संग से। और सत्संग में आने का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन यही है कि हम अपने दृष्टि को ठीक करें। बुरी नजर वाले क्या कहते हैं? नहीं, बुरी नजर वाले अपनी नजर टेस्ट करा ले। बुरा जो देख न मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। ये संपूर्ण विश्व ईशावास्तमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। जब तक कि ये दृष्टि हमारी डेवलप नहीं होगी तब तक कि हम केवल धर्म भी करेंगे तो उसके द्वारा पुण्य कमा करके फिर स्वर्ग में जाएंगे। अरे भैया दान से त्याग श्रेष्ठ है। दान में क्या होता है और त्याग में क्या होता है? दान में जिस वस्तु का हम दान करते हैं उस वस्तु के प्रति हमारे मन में महात्म्य बुद्धि अभी बनी हुई है। जैसे समझो हमने किसी को समझो 1 लाख रुपए दिए, समझो हम देते किसी को नहीं, समझो हमने किसी को 1 लाख रुपए दिए तो हमारे दिमाग में क्या विचार होगा कि इन 1 लाख रुपए से बिचारों का भला होगा। अब उनका भला करने वाले कन्हैयालाल का कॉन्ट्रैक्ट है, हम किसी का भला नहीं कर सकते। लेकिन हमारे मन में आता है मैंने 1 लाख रुपए दिया तो उसका भला होगा, उससे क्या होगा? उसका भला हो ना हो हमारा सत्यानाश हो गया, क्योंकि 1 लाख रुपए में दूसरे के भला करने की शक्ति है और वो शक्ति परमात्मा में नहीं है क्या? माने वस्तु के प्रति महात्म्य बुद्धि अभी बनी है, लेकिन जब त्याग कर देते हैं तो वस्तु के प्रति महात्म्य बुद्धि समाप्त हो जाती है। जब वस्तुओं के प्रति महात्म्य बुद्धि समाप्त हो गई तब जाकर के परमात्मा के प्रति महात्म्य बुद्धि जागृत होती है। इसीलिए यह जो पाप पुण्य धर्म अधर्म जन्म पुनर्जन्म प्रारब्ध संचित कर्म आगामी कर्म इन सब का तात्पर्य इसमें है कि हमारा ध्यान इस भौतिक सापेक्ष जगत से हट करके उस निरपेक्ष तत्व के तरफ पहुंचे, इसके लिए प्रसंग हमारे शास्त्रों में है। लेकिन ये सब भूल करके हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा पुण्य करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे और वहां जाकर के बड़ा आनंद करेंगे। जैसे अपने इंडिया के लोग सोचते हैं अमेरिका में जाएंगे मजा करेंगे, जिंदगी भर बर्तन धोते रहेंगे और कुछ नहीं। जब जब हमारा बर्तन धोने का प्रारब्ध ऊपर आता है ना तब हम अमेरिका पहुंच जाते हैं, लेकिन पता नहीं और कितने दिन हमारा वो प्रारब्ध बाकी है। और आप लोग सुखी हो जिनका वो प्रारब्ध नहीं है, वो कभी नहीं जाते। नारायण। इसके पश्चात जिन्होंने ऐसा समझ लिया है कि अपने जीवन में महात्म्य परमात्मा का है,
जगत के भोगों का विषयों का नहीं है, ऐसे लोगों का सौंदर्य और ऐसे लोगों की जिम्मेदारी भगवान स्वयं कहते हैं। 22वां श्लोक, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि अनेक प्रकार के कर्म करके स्वर्ग इत्यादि में जाने का चक्कर छोड़ करके जो मेरे भक्त है, कैसे भक्त है भगवान के, यहां जो भगवान के भक्ति का और भक्तों का वर्णन है, ये पूर्ण भगवद गीता में बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही सुंदर वर्णन है और यहीं से LIC ने चोरी करी है। आपको मालूम है ना, योगक्षेमं वहाम्यहम्, कन्हैया ने जो कहा है उस पर थोड़ी विश्वास है हमारा, LIC जो कहती है उस पर विश्वास है। आप पैसे दो मर जाओ फिर हम आपके पब्लिक को ठीक देखेंगे, लेकिन जो भगवान कहते उस पर विश्वास नहीं। देखो भगवान क्या कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तः, पहली बात उसमें दो बात है, अन्य और चिंतयन्तः, दूसरी बात परिउपासते, तीसरी बात नित्याभियुक्तानाम, ऐसा जो है योगक्षेमं वहाम्यहम् उसकी पूरी जिम्मेदारी मुझ पर है। अब इसके एक एक शब्द को हमको ठीक से समझ लेना है। पहले जिम्मेदारी की बात समझ ले, योग और क्षेम इन दो शब्दों का तात्पर्य है, माने जो हमारे पास नहीं है उसको प्राप्त करने की प्रक्रिया को योग कहते हैं, और क्षेम कहते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी है उसको ठीक से संभाल करके रखना, उसकी देखभाल करना। तो योग क्षेम दोनों का तात्पर्य होगा, जो नहीं है वो मिल जाए और जो है उसको संभाल के रखे, ये जिम्मेदारी भगवान स्वयं लेते हैं। योग क्षेमम वहामी अहम, वहामी माने मैं उसको दूंगा और मेरे शब्दों में जो मैंने कहा है उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी, वहामी उसका मैं वहन करूंगा। इसके बारे में एक कहानी आती है, महाभारत के एक टीकाकार हो गए अर्जुन मिश्र, उनके जीवन की उन्होंने जब ये टीका लिखी महाभारत पर, और भगवद गीता महाभारत पर आने के कारण बीच में आती है भीष्म पर्व में, तो इस श्लोक पर जब वो अपनी टीका लिख रहे थे तो उन्होंने वहम्यहम के स्थान पर एक ऐसा स्टार लगा दिया और वहां अपनी कॉमेंट्री लिख दी कि शायद भगवान को ऐसा कहना है योगक्षेमम ददामी अहम नॉट वहामी अहम। देखो भगवान के शब्दों को एडिट करके सुधारना, कमेंट्री करने वाले जो है ना वो कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने ऐसा किया। जब ऐसा किया वो भी भगवान के बड़े भक्त थे, फिर भी उन्होंने यहां ये गलत कर दी बात। तो फिर उनको जब वो नहाने के लिए चले गए समुन्दर, ये जगन्नाथपुरी की बात है, वापस जब आए तो उनकी जो पंडितानी थी बड़ी गुस्सा हो गई और कहती है कि आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। बोले क्या हुआ, क्या बताओ तो सही। और फिर बताया, घर में तो कुछ खाने को था नहीं, आपको मालूम है, एक सुंदर बालक सब कुछ खाने का सामान ले आया और उसके मुंह पर चोट लगी थी और कुछ खून भी निकला और पीला पीला कुछ लगाया भी, दवाई भी लगाया था। तो मैंने पूछा कि ये क्या हुआ बेटा, तो बोले पंडित जी ने मुझे मारा है। तो बोले मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आपने उसको मारा होगा।
फिर पंडित जी को समझ में आ गया कि भगवान के मुख से निकले हुए वाहम्यहम इस शब्द पर उन्होंने जो लाल स्याही से क्रॉस लगाया था वो भगवान के उस रूप में उनके घर में आया। देखो महाराज, भगवान का एक एक शब्द भगवद गीता का उनके अपने जीवन की पोथी है। इसीलिए चाहे आप भगवद गीता को समझो या ना समझो, केवल भगवद गीता का सिंसियरली पाठ भी करो ना, तो जैसे ये नौवां अध्याय शुरू होता है श्री भगवान वाच, जब हम भगवान वाच करके ये पाठ करना शुरू करेंगे तो हमारे जिह्वा के पीछे भगवान श्री कृष्ण परमात्मा स्वयं प्रकट हो रहे हैं, वैसे तो अभी अप्रकट है। इसीलिए भगवद गीता के शब्दों को, श्लोकों को, मंत्रों को साधारण मत समझ लेना। जब भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम, तो ही मीन्स दैट, ऐसे नहीं कि शब्द कह दिया है, कभी हम उनको चांस तो दे। लेकिन हमको सब पर विश्वास है, केवल उसी पर विश्वास नहीं है। और जब तक हम उस पर विश्वास नहीं डालेंगे, जैसे द्रौपदी का जब तक अपने हाथों के बल पर विश्वास था तब तक कि भगवान नहीं आए, जहां उन्होंने अपने हाथों का भी बल विश्वास छोड़ दिया उसी के बाद भगवान को वस्त्रावतार लेने के लिए वस्त्रापुर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अहमदाबाद में वही की वहीं, वो तो सर्वव्यापी है ना, प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए एक बात समझ लो भैया, इस जगत में किसी से कुछ मत मांगो। प्रहलाद जी भगवान नरसिंह जी की स्तुति करते हैं श्रीमद् भागवत में, और उसमें ये बताते हैं कि जो व्यक्ति किसी से कुछ भी मांगता है तो उसका श्री, ऐश्वर्य, तेज, प्रागल्भ्य, बल, मन की शांति सब की सब नष्ट हो जाती है। इसीलिए किसी से कुछ मांगना ही नहीं, और मांगने की आदत पड़ी तो कन्हैया से मांगो। एक भिखारी दूसरे भिखारी के पास जाकर के क्या मांगेगा? हम सभी भिखारी ही तो हैं। अपने इन पांच झोलियों को लेकर के इस जगत में भटकते हैं, आंखों की झोली लेकर के जाते हैं, हे रूप रंगो आओ मुझे सुख दो। कानों की झोली लेकर के जाते हैं, हे मेरे स्तुति युक्त शब्दों आओ और मुझे प्रसन्न करो। एक भिखारी दूसरे को नहीं सुख दे सकता। यदि कुछ मांगना ही है तो भगवान के शब्दों पर विश्वास रखे, योगक्षेमम वहाम्यहम, ये भगवान के स्वयं मुख से निकले हुए शब्द है। अच्छा, किसका योगक्षेमम भगवान वहन करते हैं? भगवान जब किसी का भी कर सकते तो हमारा क्यों नहीं करते? थोड़ी बहुत तो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ना। भगवान की ग्रेस जीवन में आने के लिए थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। यदि कोई ये विचार करे कि यूनिवर्सिटी में पास होने के लिए यदि ग्रेस मार्क्स मिलते हैं तो सबको मिलने चाहिए। एक लड़के को 47 मार्क मिले और 50 मार्क से आदमी पास होता है तो उसको 3 ग्रेस मार्क मिल गए और पास हो गया। दूसरे ने सोचा, देखो यूनिवर्सिटी कैसा भेदभाव करती है, क्यों कि मुझे ग्रेस मार्क नहीं दिए, तो तुमको कितने मार्क मिले थे? 3। अब 3 मार्क देने के बाद यूनिवर्सिटी ग्रेस मार्क थोड़ी देगी, डिसग्रेस देगी, डिसग्रेस नहीं देगी। इसी प्रकार से भगवान की ग्रेस कृपा हमारे जीवन में आएगी, थोड़ी तो मेहनत करो। और मेहनत क्या है? केवल भगवान को याद रखो, बस कुछ नहीं मेहनत। और कैसे याद रखो? अब यहां भगवान के भक्ति का, प्रेम का, समर्पण का जो वर्णन है वो अप्रतिम है। पूरे नारद भक्ति सूत्र का निचोड़ कन्हैया के इस एक श्लोक में आ जाता है। कहते हैं अनन्या, पहली बात नारद भक्ति सूत्र में आता है, अन्याश्रयाणाम त्यागः अनन्यता। हमारे जीवन का आश्रय केवल परमात्मा। इसी को वेदांत की भाषा में उपनिषद कहती है, न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्व मानसु। त्याग माने आश्रय का त्याग कर देना है।
सातवें अध्याय में भगवान कहते हैं मदाश्रयः, तो अपने जीवन का आश्रय यदि कोई है तो केवल भगवान है। इसीलिए अनन्यता का तात्पर्य है कि इस जगत में परमात्मा को छोड़ करके ना कुछ है, ना कुछ होगा, ना कुछ था। इसीलिए कुछ मांगना ही है, कुछ सोचना भी है तो केवल प्रभु के बारे में सोचे। अनन्य, अनन्य का दूसरा तात्पर्य यह है जिस ज्ञान में, ध्यान से सुनना ये बात, हम आपको चार पांच बार बता चुके हैं फिर रिपीट करेंगे। ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक वह ज्ञान जिस ज्ञान में अन्यत्व की भावना जागृत होती है, और दूसरा वो ज्ञान जिसमें दूसरे पने की भावना जागृत नहीं होती। जिस ज्ञान में दूसरे पने की भावना जागृत होती है वह मानसिक प्रत्यय है, वो मन का ज्ञान है, और जिस ज्ञान में दूसरे पने की भावना जागृत नहीं होती उसको कहते हैं रुतम भरा प्रज्ञा, या वो चैतन्य का ज्ञान है। इसीलिए अनन्यता का तात्पर्य हो गया वह ज्ञान जिसमें दूसरे पने की दुर्गंध नहीं है। अनन्य, अब देखो इस अनन्य को यदि हमने ठीक से समझा तो वह परमात्मा मेरे से देश में दूर नहीं है, काल में दूर नहीं है, वस्तु में दूर नहीं है, क्रिया में दूर नहीं है, गुणों में दूर नहीं है। जैसे ईशावास्य की श्रुति कहती है तदेजचि तन्नै जति, तद्दूरे तद्वदन्तिके, तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। वही एकमात्र तत्व इस संपूर्ण जगत में ओतप्रोत है, व्याप्त है, ऐसे निष्ठा के साथ जो जीता है वही मेरा अनन्य भक्त है। तो अनन्या चिंतयंतो महा, दूसरी बात चिंतयंतः, चिंतन करना और चिंता करना थोड़ा फर्क है। चिंता के द्वारा हम अपने आप को जिंदा जी जला देते हैं। चिंता चिता समाख्याता, चिंता और चिता जो है ये दो जुड़वी बहने हैं। चिता है मुर्दे को जलाती और चिंता जिंदे को जलाती है। लेकिन चिंतन वो है कि जो हमारे हृदय से मृत्यु के भय को हटा देता है, और वह चिंतन होना है परमात्मा का। तो जो अनन्य होकर के मेरा चिंतन करता है, जिस चिंतन में परमात्मा का महात्म्य बढ़ जाता है, धीरे धीरे यह जगत के जो परिच्छिन्न विषय वस्तु भोग है उसमें से अपना मन उपरत हो जाता है। और जब तक के जगत के विषयों से मन उपरत नहीं होगा तब तक के चिंतन में एकाग्रता नहीं आएगी। तो अनन्या चिंतयंतो माम, तीसरी बात ये जनाहा माने भक्त जनाहा परिउपासते, परिउपासते माने हर एक स्थान पर चारों तरफ, ऐसे नहीं कि केवल एक विशेष स्थान पर जाकर ही नहीं, प्रत्येक स्थान पर उसी परमात्मा का स्मरण बना रहे। देखो जैसे हम अपने मन को अभी इतने तैयार तो नहीं किए कि हरेक स्थान पर भगवान का स्मरण आए, तो हम क्या करते, अपने मन को ट्रेनिंग देने के लिए मंदिर में जाते, और मंदिर में जाने के बाद वहां भगवान की मूर्ति देखते, और मूर्ति देखने के बाद फिर हमको भगवान की याद आती है, हाँ त्वमेव माता जी पिता, त्वमेव त्वमेव मंदुष्ट सखा, त्वमेव मेरी चप्पल कोई न ले जाए, त्वमे सब कुछ तुम ही हो बाबा। वहां जाकर के हम इसीलिए करते हैं कि अभी ये हमारी क्षमता जागृत नहीं हुई कि हर स्थान में प्रभु को देखें। तो पहले अपने को ट्रेनिंग देने के लिए अपने घर में अपना छोटा सा मंदिर, अपना माने भगवान का, ऐसा नहीं कि अपना मंदिर थी। एक बढ़िया मंदिर, उसमें भगवान की मूर्ति थोड़ी बहुत पूजा पोथी चलती रहे, तो हमने अपने आप को भगवान को देखने का ट्रेनिंग दिया है। जैसे जब गाड़ी चलाना नहीं आता तो पहले हम जाकर के फुटबॉल के ग्राउंड पर गाड़ी चलाना सीखते हैं, उसी प्रकार से हर स्थान में भगवान को जब नहीं देख सकते तो एक स्थान में भगवान को देखने का ट्रेनिंग देना, उसको कहते हैं भगवान की पूजा मंदिर में या घर में करना।
और फिर यही जब परिपक्व हो जाती है तो हर स्थान में हर व्यक्ति में फिर हम भगवान का दर्शन करने के लायक बन जाते हैं। देखो हमको जगत में भगवान का दर्शन न होने का कारण ये है कि हमको जगत से बहुत अपेक्षा है, हमारे हृदय में अनेक कामनाएं हैं। जब तक के हमारे हृदय में कामना रहेगी और जगत से अपेक्षा रहेगी तब तक के हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति जागृत नहीं हुई। जिसके हृदय में भगवत भक्ति जागृत हो जाती है वह निष्काम भक्त, जगत से कोई अपेक्षा नहीं रहता। यह जो निरपेक्ष निष्काम अस्तित्व है वही परमात्मा का स्वरूप है। इसीलिए परिउपासते हर स्थान में, हर काल में, हर देश में, हर विचार में केवल एक ही परमात्मा का चिंतन चल रहा है। तेषाम नित्याभियुक्तानाम, ऐसे जो नित्य है हमसे युक्त, नित्य से केवल नित्य ही युक्त हो सकता है। जैसे हमारी मीराबाई कहती है कि हम ऐसे वर को क्या वरे जो जन्मे और मर जावे, हम तो ऐसा वर वरेंगे कि हमारा जो चुड़ला है, जो चुड़िया है वो हमेशा अखंड रहे, और वो हो सकता है केवल परमात्मा। इसीलिए नित्य युक्ता का तात्पर्य है जीव जो साधना कर रहा है वह परमात्मा का अंश है। 15वें अध्याय में भगवान बताएंगे, जब हम पढ़ेंगे ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, तो यह जो सनातन जीव है यह जब परमात्मा के साथ अपने आप को लगाएगा तभी उसका नित्य योग होगा। यदि प्रकृति के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ लगाएगा तो वह नित्य योग नहीं हो सकता। इसीलिए तेषा नित्याभियुक्ता नाम, इस प्रकार से जो मेरा अनन्य भक्त है, देश काल वस्तु परिस्थिति इनके द्वारा भी जो मेरे से दूर बिछड़ता नहीं है, ऐसे अनन्य भक्त के जीवन की जिम्मेदारी मेरी है। देखो कितनी सरल बात है। तो हमको क्या करना है, एक ही करना है, एकदम इरिस्पॉन्सिबल हो जाओ। हमने आपको कल परसों बताया था साधु संतों के और हम लोगों के जीवन में फर्क क्या है। साधु संतों का जीवन ये है कि अपने संसार को चलाने की जिम्मेदारी वो भगवान पर छोड़ देते हैं और अपनी साधना स्वयं करते हैं, और हम लोग अपनी साधना करने की जिम्मेदारी भगवान पर छोड़ देते हैं और संसार हम स्वयं करते हैं। थोड़ा सा फर्क करना है, एकदम ये श्लोक समझ में आएगा। अच्छा, ये होने के पश्चात अब जो लोग इस कन्हैया को छोड़कर के बाकी देवताओं के चक्कर में रहते हैं उनके बारे में भगवान अगले श्लोक से बताते हैं। ये प्यन्य देवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। हे कौन्तेय, कुंती पुत्र अर्जुन, ये अन्य देवता यजन्ते श्रद्धयान्विताः, दूसरे प्रकार के जो भक्त है उनमें श्रद्धा की कमी नहीं है, और जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति पूंजी शक्ति यदि कोई है तो श्रद्धा। जिसके हृदय में श्रद्धा का अभाव है वो महादरिद्री है, अष्ट दरिद्री है। तो ऐसे जो भक्त है जो श्रद्धा से युक्त है, लेकिन अन्य देवता यजन्ते, लेकिन उनका जो मन है वो भगवान को छोड़कर के बाकी छोटे मोटे देवताओं में लगा है। भगवान कहते तेपी मामेव कौन्ते यजन्ति अविधिपूर्वकम्, असल में वो मुझे ही प्रसन्न कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है अविधिपूर्वकम् माने उनको ये मालूम नहीं है कि वो असल में मुझसे ही सब कुछ ले रहे हैं।
ऐसा है, इसका एक उदाहरण ले लो। एक बार एक बच्चा एक बहुत बड़े खिलौने के फेयर में गया और एक राजा ने वो इकट्ठा करी थी, क्योंकि उसको एक लड़के को ढूंढना था जिसको वो अपना अडॉप्ट करना चाहता था। तो वहां जाने के बाद उस राजा ने एक ऐसा छद्म वेश पहन लिया, साधारण व्यक्ति के जैसा घूम रहा, और सभी बच्चों को भाई देखो तुमको जो जो चाहिए ले जाओ, क्या क्या चाहिए बता दो, खूब बच्चा है, किसको ये चाहिए किसको वो चाहिए। एक बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा था और वो सब कुछ देख रहा है और शांत कुछ चुन नहीं रहा है। तो ऐसे बच्चे के तरफ नेचुरली सभी की आंखें जाएगी। तो राजा ने पूछा, बेटा तुमको कुछ नहीं चाहिए? बोले हाँ मुझे चाहिए तो सही। बोले फिर देख नहीं रहे? बोले मैं उसको देख रहा हूं कि जिसने ये सबका आयोजन किया है। बोले क्यों? भाई मैं उससे बताऊंगा। बोले मैंने ही किया है। बोले फिर मुझे आप ही चाहिए। जहां हमने भगवान को मांग लिया उसमें सब कुछ आ गया। जहां हमने एक स्टॉल के वहां का जो काउंटर पर बैठा हुआ है अंकल, कहने की मैं वन लॉलीपॉप, वो लॉलीपॉप अंकल थोड़ी दे रहा है, वो लॉलीपॉप भी वही राजा दे रहा था, लेकिन अविधि पूर्वकम उसको ज्ञान नहीं था कि जो भी कुछ हमको जीवन में मिल रहा है वही एक ही परब्रह्म परमात्मा देता है। लेकिन हमारी छोटी छोटी कामनाएं, हम छोटी छोटी देवताओं के पीछे पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज एक बहुत सुंदर कथा बताते थे। एक व्यक्ति बंबई का चला गया माहिम में, मैं नहीं हूं वो, पहले बता दूं, चला गया माहिम में, और माहिम में आपको मालूम है वहां एक शीतला देवी का मंदिर है ना, वहां पहुंच गया। और पहुंचने के बाद शीतला देवी माता से कहने लग गया कि अम्मा मुझे एक ऐसा घोड़ा दे दो कि मैं ये महालक्ष्मी रेस कोर पर उसको दौड़ाऊं और खूब पैसे कमाऊं। तो शीतला देवी अम्मा को आ गया गुस्सा, एक चाटा लगाया, बेवकूफ तुमको यदि मैं घोड़ा दे सकती तो मैं गधे पर क्यों बैठती। देखो शीतला देवी का जो वाहन है वो गधा है। देखो मांगना ही है, भगवान से मांगो ना सब कुछ मिलेगा, लेकिन हम छोटी मोटी चक्कर में फंसे रहते हैं, मुझे ये मिल जाए मुझे वो मिल जाए। देखो अपने पूरे जीवन की जिम्मेदारी लेने के लिए जो तैयार है उसको छोड़ करके हम ये छोटे मोटे लोगों के पास भटकते रहते हैं, मुझे ये मिल जाए मुझे वो मिल जाए। और भगवान कहते हैं वो असल में मुझे ही मांग रहे हैं, लेकिन अविधि पूर्वकम उनको मालूम नहीं है कि उनको ये सब कहां से मिल रहा है। जहां हमको पता चलेगा हमको जीवन में जो भी कुछ लाभ हो रहा है वो केवल प्रभु की कृपा से होता है, अपने प्रयत्न से नहीं। एक बार ये भगवान की कृपा का एहसास होने लग जाए तब समझ लेना भगवान के भक्ति का जो अंकुर है अब वो बड़ा होने लग गया है। और जिस हृदय में भगवान और उनके प्रति भक्ति जागृत होती है उस हृदय में चिंता, भय, काम, क्रोध इत्यादि जितने भी निगेटिव थॉट्स है वो कभी नहीं आएंगे। और ऐसे ही व्यक्ति का जीवन जिंदा जीवन है, बाकी तो केवल अपने ही मुर्दे को अपने ही सर पर उठा के चले जा रहे। ऐसे लोगों को पूछो हाउ इज लाइफ, हाँ स्वामी जी जिंदा है। और विशेष बात मालूम है क्या, ऐसे लोग मरते भी नहीं। ये कोई जीवन हुआ? भगवान के भक्त कहलाने के बाद हमको रोने का अधिकार नहीं है। जो रोता है वह भगवान का भक्त नहीं है, और जो विभक्त है उसको कभी भी शांति नहीं मिलेगी। अशांतस्य कुत सुखम, और ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुख की कहीं नामो निशान नहीं है। ये होने के पश्चात भगवान बताते हैं ये जो अज्ञानी है नहीं जानते उनके लिए ईश्वरों को भी पढ़ेंगे उसका अर्थ और पूर्णाहुति कल होगी। अहम ही सर्वयज्ञानाम्।
भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्वेनातश्चवन्ति ते। श्री कृष्णा नारायणा गोविंदा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।